गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3। अभी तक देखिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, हमने दो कर्व के बीच का एरिया निकाला था। कर्व किस में थी? एक्स और वाई में। लेकिन अब हमारे पास क्या क्या है, सेम क्वेश्चन रहेगा, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। बट इफ़ द फंक्शन ऑफ एफ एंड जी हैव कॉन्टिन्यूस डेरीवेटिव देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब एक्स भी किसकी टर्म में? टी की टर्म में। वाई भी किसकी टर्म में? टी की टर्म में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स और वाई में ही इक्वेशन थी दो हमारे पास, लेकिन अब एक्स भी टी की फॉर्म में होगा, वाई भी टी की फॉर्म में। और किसके बीच में निकालना है? दो तो ये कर्व हो गई। फिर इसने कहा है एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टी इज इक्वल्स टू ए, टी इज इक्वल्स टू बी। मतलब हमें इनके बीच का एरिया निकालना है, कितना बाउंड हुआ है। तो वो हम कैसे देंगे, पहले तो ऑर्डिनेट देख लेंगे। ऑर्डिनेट इसने कहाँ से कहाँ तक का है? ए से लेके बी तक, ठीक है। फिर वाई लिखेंगे हम, फिर डी एक्स बाय डी टी और डी टी इंटू में। हमें रिक्वायर्ड एरिया पता होता था कि हम कैसे निकालते थे अभी तक, ये होता था ना, जैसे ए बी ले लो, यहाँ पे ए बी वाई डी एक्स, इन्होंने अभी अल्फा बीटा कर दिया है। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन, हम इसमें बदल लेंगे कैसे, ये लिखेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसने कहा है कि अगर क्वेश्चन क्या दिया हो, एक्स भी टी की फॉर्म में है, वाई भी टी की फॉर्म में है, लेकिन अब एक्स एक्सिस के साथ नहीं निकालना, अब किसके साथ निकालना है? वाई एक्सिस के साथ। तो देखो, जब हम ऐसे ग्राफ में लाइन बनाते हैं तो वाई एक्सिस को क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, यही कहते हैं। तो अब देखो वाई एक्सिस आई है तो उसके साथ क्या निकलेगा? एब्सिसा वाला। तो पॉइंट भी किसके दिए होंगे? अब टी के दिए हैं फिर से, लेकिन अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, ये क्वेश्चन रहेगा। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये दोनों दी है हमें इक्वेशन, लेकिन दोनों किस में है? टी की फॉर्म में। एक्स भी टी की फॉर्म में, वाई भी टी की फॉर्म में। एक्स लिखा, वाई लिखा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ का फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी ना, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मॉड लगाया, तो इधर भी मॉड आएगा। कॉस का मॉड कैसे करते हैं हम सॉल्व? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है? देखो कॉस लाई करता है माइनस वन टू वन, तो इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस कैसा होता है? लेस देन इक्वल टू वन। तो इसे देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और इनटू में क्या है? वन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू वन है कॉस की, या फिर खोल के लिखना चाहो देखो ऐसे लिख लो, ए मॉड ऑफ कॉस क्यूब टी, या फिर लिख सकते हैं ए कॉस टी का क्यूब लिख लो ऊपर, क्योंकि मॉड में तो फर्क आएगा नहीं। ये किससे लेस हो जाएगा? मॉड है तो ऐसे कैसे, ये लेस है किससे? वन से। तो इसलिए यहाँ पे लेस देन वन आ गया। ऐसे ही साइन का किया, साइन भी क्या आ जाएगा? लेस देन बी। मतलब एक्स किससे किसके बीच में है? अगर मैंने ऐसे लिखा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ ए, दैट मीन्स माइनस मॉड ऑफ ए से लेके कहाँ तक जाएगा एक्स? प्लस मॉड ऑफ ए तक, ऐसे जाएगा। ऐसे ही वाई भी कहाँ तक जाएगा? माइनस मॉड ऑफ बी से लेके प्लस मॉड ऑफ बी तक। दस द कर्व लाई विद इन द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय। रेक्टेंगल क्यों बन गया? क्योंकि एक्स देखो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से प्लस ए। बना लेते हैं इसको एक बार, एक्स है माइनस ए से प्लस ए, सपोज कर लो ये माइनस ए है प्लस ए। वाई कहाँ से कहाँ तक है? माइनस बी से प्लस बी, मतलब ऐसे। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगी तो ये क्या बन जाएगा? या तो ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जाएंगे ना पॉइंट्स, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया मेरे पास, इसलिए कह रहे हैं रेक्टेंगल आ गया है। एक्स कहाँ से कहाँ तक है? प्लस ए माइनस ए के वैल्यूज है वाई की, प्लस बी माइनस बी। ऑल्सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट टी वेरीज फ्रॉम, अब अगर मैं देखूँ टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना एंगल है? पाई बाय टू। तो जीरो से शुरू हुए थे, घूमते घूमते कहाँ तक चले गए? पाई बाय टू तक। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जीरो टू पाई बाय टू। तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक का निकालें और इंटू फोर कर दें। फोर क्यों करें? देखो अगर मैंने सिर्फ इसका निकाल लिया ना, तो ये तीनों तो इसी के इक्वल हैं, मतलब ये वाला भी इसके इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है, ये भी। एक निकाल लो तो इंटू फोर कर दो, वही आ जाएगा। तो हमने यही किया है, सिर्फ एक का निकाल लो, जैसे ओ ए बी का निकाल लो इस वाले का, तो इंटू फोर कर दो पूरे का आ जाएगा। तो इंटू फोर करने के लिए जीरो टू पाई बाय टू, क्योंकि टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जीरो टू पाई बाय टू। फिर हमने जो अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था वो लिख दिया है, y डी एक्स बाई डी टी डी टी, ये आ गया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में वो रख दें, डी एक्स बाई डी टी आप निकाल सकते हो। x है, इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट,
वो कर दिया और डी टी एज इट इज़ रख दिया। वैल्यूज रख के आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है, इलिप्स के लिए कहा है, इलिप्स में एक्स की ये वैल्यू होती है, वाई की हो गई। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। क्यों है सिमेट्रिकल? क्योंकि इलिप्स का हमें पता है यही शेप बनती है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा इस साइड आएगा वाई एक्सिस के वैसा ही इस साइड। या फिर आप देखिए ऐसे देखें, ये ऊपर आ गया जो आपको अभी फिगर दिख रही है, सेम कहाँ है नीचे, जैसी लेफ्ट हैंड साइड में है वैसी ही कहाँ है राइट हैंड साइड में है, तो सिमेट्रिकल होगी अबाउट बोथ दी एक्सेस। अब हमें पता है कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन टू वन, इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस इज लेस देन इक्वल टू वन। सिमिलरली साइन की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाई करती है, माइनस वन टू वन, तो मॉड ऑफ साइन इज लेस देन इक्वल टू वन। अब अगर मैं इसका मॉड लूँ तो क्या बनेगा, इस साइड पे मॉड आएगा, इस पूरे का मॉड, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ए, या फिर ए आ जाएगा। देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, हमें एक्स दिया है ए कॉस टी, वाई दिया है बी साइन टी। अगर हम इसका मॉड ले दोनों साइड में तो ये आ गया, क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ कॉस टी। मॉड ए ऐसे कैसे, ये किससे लेस है, ये लेस होता है वन से, ग्रेट लेस देन इक्वल टू वन, तो ये साइन इसकी वजह से आया है। तो एक्स कहाँ आ गया, लेस देन इक्वल टू ए। ऐसे ही अगर मैं वाई के लिए सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू बी आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो क्या बनेगा, एक्स एक बार माइनस ए एक बार प्लस ए, ये माइनस ए ये प्लस ए, ऐसे ही वाई एक बार माइनस बी एक बार प्लस बी, ये बन गया। अब हमें पता है इक्वेशन किसकी, एलिप्स की, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ये बन गया हमारा एलिप्स। फिर से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं अगर मैं, तो इसमें टी कहां से कहां तक जाएगा, यहां पे टी क्या था, जीरो, यहां टी क्या है, पाई बाय टू, तो जीरो टू पाई बाय टू, ये मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट बन गई, जीरो टू पाई बाय टू। फिर फॉर्मूला मुझे पता ही है क्या होता है, वाई डी एक्स बाय डी टी इंटू डी टी, लेकिन ये सिर्फ किसका एरिया है, इसका, मुझे लेकिन ऐसे ही चार निकालने थे ना टोटल, तो इंटू क्या कर दूँ, फोर, तो वो ओवरऑल एरिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये किया इन्होंने। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने क्या दिया है, एक्स और वाई दे दिया है फिर से, अब टी की जगह थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टी दिया हो, थीटा दिया हो, जेड दिया हो, बस हमें ये कहा है एक्स एक दूसरे वेरिएबल की टर्म में है, वाई भी उसी वेरिएबल की टर्म में दिया है। अब देखो एक्स कैसा है हमारे पास, एक्स इवन है या ऑड है, क्योंकि साइन आ गया ना, एक्स है ए थीटा प्लस साइन थीटा, आप थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस थीटा से, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए ऐसे कैसे, ये माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस थीटा, ये माइनस बाहर, साइन थीटा, माइनस ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब जो एक्स पहले था ये प्लस का था ना, अब उसी का क्या आ गया, माइनस, जब हमने थीटा की जगह क्या रखा, माइनस थीटा। इसका मतलब एक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, अपने अंदर वाले माइनस को इसने कहाँ भेज दिया, बाहर, ये देखो यहाँ पे आएगा सब विजिबल होगा, अंदर वाले माइनस को कहाँ भेज दिया, बाहर। अब अगर ऐसे ही मैं वाई के लिए सॉल्व करूँ तो वाई क्या है, ए वन माइनस कॉस थीटा, इसमें रिप्लेस कर दो थीटा को माइनस थीटा से, तो क्या आ जाएगा, वाई ए वन कॉस ऑफ माइनस थीटा, ए वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये देखो सेम पहले जैसा बन गया ना, तो ये कैसा है, एक इवन फंक्शन है, इसने अपने अंदर वाले माइनस को बाहर नहीं आने दिया, तो हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, जो इवन फंक्शन है, इवन किसके अबाउट है, वाई के लिए, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो जाएगा, मतलब जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी फिगर, वैसी ही वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगी। अब हमने क्या किया है, पुट
एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं टच कहाँ कर रही है कर्व। तो एक बार एक्स को जीरो रख के देख लो, एक्स को जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू यही थी, ये किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल। सॉल्व करो आप इसको, यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, यही बनेगा ना। तो वो क्या आ जाएगा वहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसी पे ये ट्रू है, मैं यहाँ देखो बता रही हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा आएगा। ये कहाँ ट्रू है, जब थीटा होता है जीरो, सिर्फ तभी, साइन जीरो इज जीरो तब बनता है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, थीटा जीरो आ गया। जैसे ही थीटा जीरो बना, इसको कहाँ पुट कर देते हैं, वाई में। वाई क्या था, ए ऑफ वन माइनस कॉस थीटा, इसमें थीटा को रख दो जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो ये क्या आ गया जीरो। मतलब जब एक्स जीरो था तो सॉल्व करके क्या आ गया, वाई भी जीरो आ गया है। तो इसका मतलब एक्स जीरो है तो वाई भी क्या है, जीरो, यहाँ पे टच करेगा कर्व। तो हमने टच करा दिया। फिर हमने नेक्स्ट निकाला है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको ये पहले भी मैंने करा रखा है, बहुत सारे चैप्टर्स में आ चुका है। अब तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले वाई जिसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव, फिर एक्स का जिसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव। ये आ गए दोनों, ए से ए कैंसिल। सॉल्व किया, साइन टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं साइन टू ऑफ थीटा बाय टू। तो ये बन गया टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। वन प्लस कॉस थीटा क्या है, टू कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू। टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया, टेन थीटा बाय टू। अब मैंने इसके लिए वैल्यूज बना ली है। अच्छा देखो कर्व अब कैसी है, अब कर्व किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के लिए है ना। तो अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पूरा, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, जहाँ पे वाई था उसमें क्या आ जाएगा एक्स, वो कर देंगे। तो वैसे देखो फॉर्मूला क्या बनना था, यहाँ लिख रही हूँ मैं, वाई डी एक्स बाई डी टी, डी टी ये होता रहा। लेकिन अब क्वेश्चन में टी नहीं है, थीटा है, तो सबसे पहले तो क्या चेंज आएगा, यहाँ थीटा आएगा, कर दिया। अब मैं कह रही हूँ वाई एक्सिस के अबाउट है ना, जो भी फिगर बन रही हो किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है। तो जहाँ वाई है वहाँ क्या आ जाएगा एक्स, जहाँ एक्स था वहाँ क्या आ जाएगा वाई। तो अब ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ये वाला देखो, यही से यूज़ किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फिगर में एक साइड का निकाल रही हूँ मैं, एरिया एक का निकाल दूंगी। थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो टू पाई ऐसे जा रहा है थीटा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे थीटा जीरो है तो यहाँ आके थीटा कितना हो जाएगा, ऐसे मतलब यहाँ आके ऐसे पाई हो जाएगा, इसीलिए थीटा की वैल्यू मैंने रख के देख ली है, जीरो पाई बाय टू पाई, ये मैंने टेबल बनाई है। अगर मैं थीटा को जीरो रखूंगी तो एक्स आएगा जीरो, थीटा अगर जीरो है तो वाई भी जीरो, अगर थीटा जीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स जो अभी ये निकाला है ऊपर, ये भी क्या आएगा, जीरो। अब अगर थीटा को मैं पाई बाय टू पुट करूँ तीनों इक्वेशन में, एक्स में भी, वाई में और डी वाई बाई डी एक्स में, तो ये वैल्यू आ रही है। अब अगर ऐसे ही थीटा को मैं पुट करूँ पाई फिर से इन तीनों में, तो ये वैल्यूज आ रही है। ये आ गई ड्यू टू सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व। तो हम ट्रेस करेंगे इमेज ऑफ कर्व, द शेप ऑफ द कर्व इज शोन इन द फिगर, जो अभी हमने ऊपर बताई है। तो मैं रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करूँगी, एक साइड का एरिया निकाल लूंगी, उसको दूसरी साइड के लिए निकालने के लिए क्या करूँगी, टू से मल्टीप्लाई। तो ये मैंने इसमें पुट कर दिया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे हम, इस सिंपल इंटीग्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ गया, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व, मतलब इस पूरी कर्व का एरिया बताओ। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले देखते हुए पता चल जाएगा कर्व कैसी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दी है, एक्स भी टी के टर्म में है, वाई भी टी के टर्म में है, एक्स लिखा वाई लिखा। तो यहाँ से ना ये एक इन जनरल आपको चेक करके वैसे ही बता दिया है इसने कि हम साइड में ना रफ में इनका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे दोनों सेम है ना, इसलिए कर दिया ऐसा। वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, इनका था ये मुझे दिख गया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। वरना आप पिछले क्वेश्चन जैसा भी इसको कर सकते हो, जैसे हम पिछले में निकाल रहे थे सेम वैसे। स्क्वायरिंग और एडिंग की तो ये इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की है, जिसका सेंटर कहाँ है, जीरो, जीरो पे रेडियस क्या है, ए है, यहाँ से पता चल रहा है, मैंने बना दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो टू, यहाँ जीरो था ना एक्स, कहाँ तक चला गया ए तक, जीरो टू ए वाई डी एक्स, जो हम पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे, सिंपल फॉर्मूला बन गया ये। इसको फिर हमने वाई निकाल लिया इक्वेशन से, वाई रख के इसके लिए इंटीग्रेट किया, सॉल्व हो गया।
अब नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दो दिए हैं ऐसे ही एक्स और वाई, ये दोनों आ गए। सबसे पहले आप इसकी ट्रेसिंग, क्योंकि देखो इसमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग आप करके देखना चाहो देख लो जैसे ऊपर करके देखा है, पर उससे कुछ आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये एक्स है ये वाई है। फिर इसको सेम पहले ग्राफ हमें मतलब पता तो चले कि फिगर है किसकी, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ही हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चेक कर लिया, इसकी सिमेट्री, सिमेट्री देख ली। एक बार एक्स में टी की जगह माइनस टी रख लो, एक बार वाई में टी की जगह माइनस टी रख लो, जो पहले जैसा बन जाएगा वो इवन है वरना वो ऑड है। तो इसमें एक्स इवन बना है वाई ऑड बना है, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जैसी एक्स एक्सिस के ऊपर होगी वैसी ही एक्स एक्सिस के नीचे होगी। अब हमने ओरिजिन चेक किया है, ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं, तो एक्स और वाई जीरो हो भी रहे हैं या नहीं हम ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ साथ में एक्स और वाई की वैल्यू, ये है एक्स और वाई की वैल्यू। तो अगर मैं टी को रखूँ वन, तब एक्स क्या बन रहा है जीरो, वाई भी क्या बन रहा है जीरो। अगर मैं टी को रखूँ माइनस वन, तब भी एक्स क्या बन रहा है जीरो और वाई भी क्या बन रहा है जीरो। इसका मतलब जब टी वन है और माइनस वन है, तब एक्स और वाई दोनों ही क्या बन रहे हैं जीरो। इसका मतलब ओरिजिन तभी है ना जब टी क्या है वन और माइनस वन। Does the line passes through the origin for two different values of t? Hence, origin is a nod. हमें पता था दो टेंजेंट हो दोनों अलग अलग हो तो वहाँ क्या बनता है नॉड बनता है, तो इसलिए नॉड बन रहा है क्योंकि टी की दो वैल्यू है और ओरिजिन से ही पास करी, इसका वहाँ क्या बनेगा नॉड। अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, एक बार वाई को जीरो पुट करते हैं फिर एक बार एक्स को। वाई को जीरो पुट किया तो वाई की ये वैल्यू थी यहाँ से, या तो टी जीरो है या फिर ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो है, ये लिख दिया ना इसने। फिर हम देख रहे हैं अगर टी जीरो है, ये वाला केस लिया पहले, अगर टी जीरो है तो एक्स वाली में पुट कर दो टी को जीरो, तो एक्स क्या आ रहा है ए, और अगर टी की ये दोनों वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक्स क्या आ रहा है जीरो। इनको मिक्स कर दो, अब देखो क्या आएगा यहाँ से, द कर्व मीट एक्स एक्सिस, कब मीट करेगी एक्स एक्सिस को, जब वाई क्या है जीरो और एक्स क्या है ए। फिर क्या है, एक्स एक्सिस को कब मीट करेगी, जब वाई क्या है जीरो और एक्स क्या आया था जीरो, तो दो पॉइंट बन गए जीरो जीरो ए जीरो, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि टी सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। वाई ने खुद को जीरो कहा तो यहाँ पे एक्स तो था नहीं जो डायरेक्ट निकल जाए, टी की वैल्यू आ गई, टी को ले जाके अब एक्स में पुट कर दो। पहले आप वाई में करोगे काम, वहां से टी का कुछ निकलेगा, उसको आप ले जाके एक्स में पुट कर दोगे, तो इन दोनों में इनडायरेक्टली एक रिलेशन आ जाएगा। अब फिर ये तो आ गया जहां पे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, वाई के लिए निकालने के लिए क्या करूँ, एक्स को जीरो फिर वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर निकाले एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का पूरा चैप्टर है आपका, आपको पता है पैरामीट्रिक का एसिम्प्टोट हम कैसे निकालते हैं, आप खुद कैलकुलेट करोगे। अब हम चेक कर रहे हैं रीजन इसका कैसा है, तो रीजन हम कैसे दिखते थे, dy बाय dx से। dy बाय dx निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ये आ गई टर्म। dy बाय dx को जीरो पुट किया, इसको जीरो पुट करोगे नीचे वाला तो किसके पास चला जाएगा, जीरो के पास, ये आ गई वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, t इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री आ गया। अगर t प्लस वाला वन अपॉन अंडर रूट थ्री है तो x क्या आएगा ये, y क्या आएगा ये, एक पॉइंट ये बन गया। अगर माइनस का है फिर निकाल दो तो सेम ही आएगा क्योंकि t का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया एट दिस पॉइंट, कि जब x ये है और ये y है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस टाइम पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है जीरो। स्लोप जीरो कब होता है, जब कोई लाइन उसके पैरेलल हो, स्लोप जीरो है इसलिए ये पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये पॉइंट देखो ये रहा, यहाँ पे इसने बना दिया, इस पे जो हमारी टेंजेंट है वो कैसी है, पैरेलल रहेगी, सॉरी ये यहाँ बनेगा, ये कैसी रहेगी, पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस की। फिर अब मैंने रख दिया स्लोप अगर इन्फिनिटी है, अगर डी वाई वाई डी एक्स इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी आपके पास
उसको आप क्या रख दोगे, 1/0, वहां से टी आ गया 0, टी 0 पे एक्स आ रहा है ए, वाई आ रहा है 0। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होना, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होना। या तो उसको बोल दो कि वो एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर उसको वाई ही बोल दो, क्योंकि वाई भी क्या होती है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो एक्स जब ए है, वाई जीरो है, ए कॉमा जीरो, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो ए जीरो यही पॉइंट है ना, जब एक्स ए है वाई जीरो है, इस पे जो बनेगी हमारी टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गई, ये कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम चेक कर रहे हैं एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ इमेजिनरी है। तो एक्स ये था, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स कैसा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि इसको देखो आप सॉल्व करो क्या बनेगा, ए माइनस ए टी स्क्वायर, यही बन रहा है ना, ए माइनस ए टी स्क्वायर, ए में से कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब लेस आएगा, क्योंकि ए से छोटी बनेगी ना टर्म, ए में से कुछ माइनस हो रहा है। लेकिन अगर ये टी जीरो बन जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। इसलिए क्या लगा दिया इसने, इक्वल टू, यहां दोबारा देख लो, एक्स था ए वन माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ गया ए माइनस ए टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुल गई। जब ए में से कुछ माइनस हुआ है, इसका मतलब पूरी टर्म कैसी है, ए से कम है, तो इसलिए मैंने लिख दिया एक्स कैसा है, ए से छोटा है। लेकिन अगर t क्या है, जीरो, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू a, तो इसलिए लगवा दिया इक्वल टू का साइन, ये बन गया। एंड हेंस नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाई बियॉन्ड द लाइन x इज इक्वल्स टू a, इससे बियॉन्ड कोई भी हमारी कर्व नहीं लाई कर रही है, x इज इक्वल्स टू a से आगे। व्हेन t इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू वन, अगर मैं t को इंक्रीज करूं, पहले मैंने t को, ये है x, a 1 माइनस टी स्क्वायर, अगर मैंने t को रखा 0 तो क्या आएगा, x a आ गया। अगर मैंने t को रखा हाफ तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाय 4, तो क्या आ जाएगा, a 3 बाय 4, या फिर 3 a बाय 4, यही बनेगा ना। लेकिन ये टर्म कैसी है, ए से तो कम है, ये वाली टर्म ए से कम है, मतलब जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए इसने लिख दिया है, जैसे टी जीरो टू वन जाएगा, एक्स डिक्रीज करेगा, ए से लेके लास्ट में कहाँ आ जाएगा, जीरो पे, क्योंकि टी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वन तक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स में टी को वन पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू ए, वन माइनस वन इज जीरो, मतलब एक्स सबसे बड़ा क्या था, ए, सबसे छोटा क्या आ गया, जीरो। एंड वाई ऐसे ही, अगर आप वाई को करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, एंड देन डिक्रीजेस टू दिस, पहले तो यहां तक जाएगा, इससे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा। फर्दर इफ टी इंक्रीजेज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अब वन से इन्फिनिटी, मतलब ऐसे ही ना एक्स और वाई में वैल्यूज पुट कर करके देखो, एक बार वन रखो, फिर थ्री रख लो, फिर टेन रख लो, ट्वेंटी रख लो, फिर लास्ट में इन्फिनिटी रखो, तो एक्स बनेगा माइनस इन्फिनिटी, वाई भी क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी। अब हम इन बातों को मिला के एक फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर टी जीरो से वन तक कर रहा है, यहाँ जीरो यहाँ वन ऐसे ना, तो एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो एक्स डिक्रीज कर रहा है ना, टी जीरो से वन तक जा रहा है, तो एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज यहाँ आ गया ना, इस साइड एक्स इंक्रीज करता है, इस साइड एक्स डिक्रीज करता है। और वाई क्या कर रहा है, टी जब जीरो टू वन जा रहा है, एक बार तो इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज, तो ये शेप ऐसी बनी। और जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कर्व कैसी है, सिमेट्रिकल है। तो अब हम निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, ऊपर ऊपर का निकाल ले फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू 1, और हमने फॉर्मूला रख दिया, वैल्यूज पुट कर दी इसमें पूरी, और आंसर आ जाएगा आपका।
ऐसे आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसको करेंगे और इसमें दिखाएंगे सर एसिम्प्टोट ये आया है, तो आप सेम वही सिमेट्री चेक करोगे, फिर ओरिजिन चेक करोगे ओरिजिन कैसे आ रहा है, इंटरसेक्शन, फिर एसिम्प्टोट, फिर उसके बाद स्पेशल पॉइंट या रीजन जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा। अभी जो सेम हमने पिछला क्वेश्चन किया है ऐसे ही, लेकिन आप इसका एक क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर ले ताकि आपको ये समझ आ जाए, और फिर इसकी कर्व बन जाएगी और फिर आप वहाँ से इसका एरिया निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स्थ भी एग्जैक्टली सेम चलेगा इसका, वो ही है सिमेट्री। पहले लेकिन इसने क्या किया है, कर्व को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। इसमें इसने एक और चीज़ दिखा दी है कि कर्व देखो ये दी थी, या तो आप इसको जैसे अभी तक हम करते हैं वो कर लो, या फिर ये कह रहा है कर्व को अब हम एक्स और वाई में भी बदल सकते हैं शुरू से ही, अगर आप बदल पाओ तो, क्योंकि इसने बदल के दिखाया है। ऐसी आ जाएगी वाई, और वाई भी किसके टर्म में आ गया, टी के टर्म में, एक्स भी टी के टर्म में, लेकिन कॉस और साइन में था। स्क्वायर एडिंग की तो टी चला गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसे टी चला जाए, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बन गया इसलिए वो चला गया। तो अब क्वेश्चन देखो ये बन गया, नया क्वेश्चन है अभी पूरा, पहले एक्स टी में था वाई टी में था, लेकिन अब इसने चेंज करके इसमें कर दिया। अब ये सेम जैसे आपके कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर में था वैसे कर्व की ट्रेसिंग वाले स्टेप्स कर रहे हैं। स्टेप्स करने के बाद रीजन निकाला, रीजन निकाल के एरिया निकाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेवन तो आप खुद ट्राई करेंगे।